धर्मपुरी नगर में आज नगर परिषद द्वारा नगर भ्रमण किया गया और नगर की जनता को कोरोना वायरस महामारी को लेकर जागरूक किया गया। साथ ही लॉकडाउन का पालन करने की भी अपील की गई। आपको बता दें कि लॉकडाउन के चलते 13 दिनों से नगर में सन्नाटा छाया हुआ है, पर कुछ लोग अब भी नहीं मान रहे और घरों से निकलकर बिना वजह घूम रहे हैं, जिसको लेकर आज धर्मपुरी नगर परिषद द्वारा नगर भ्रमण किया गया और लोगों से घर में रहकर प्रशासन व शासन का सहयोग करने की अपील भी की गई। साथ ही बाहर से आ रहे लोगों की सूचना विभाग को देने को कहा। उक्त जागरूक अभियान में नगर परिषद अध्यक्ष शब्बीर पहलवान, मुख्य नगर पालिका अधिकारी रामप्रसाद भावरे, पार्षद प्रतिनिधि संजय सोनी व नौशाद बादशाह भी शामिल रहे। भारतीय न्यूज के लिए सैयद जफर अली की रिपोर्ट। इसका कोई इलाज नहीं है, इसका एकमात्र इलाज है कि हम एक दूसरे से दूरी बनाए रखें और घरों के अंदर रहें। ये जैसा जैसे झांक रहे हैं ये बिल्कुल गलत है। घर में रहें, सुरक्षित रहें और बच्चों को, विशेषकर अपने बच्चों को घरों में रखें। आप अपने बच्चों को सुरक्षित रखें, खुद सुरक्षित रहें, इसके लिए जरूरी है कि आप अपने घरों में रहें। और मैं नौशाद भाई पार्षद और नाना भाई, हम साथ में सेवा साहब गाड़ी थी, हमारे 15 वार्ड में घूम के जो जनता घर से बाहर जो निकलती है और रोड पर रोटले बैठती है, प्रशासन उनको समझा नहीं पा रहा था। समझाने के बाद भी वो निकलते हैं, पुलिस लपकती फिर घुस जाते हैं। उस संबंध में मैंने वार्ड में हमारे सेवा साहब ने, संजय भाई ने, नाना भाई ने, सुनोसाद भाई ने, हमें घूम के 15 वार्डों में ये कहा कि अपने घर पर बैठो, आप बाहर मत निकलो, पुलिस मारेगी, हमको नीचा देखना पड़ता है। नगर पंचायत के अध्यक्ष के नाते मैंने उनको समझाई दी। राम प्रसाद भावरे, सीएमओ नगर परिषद धर्मपुरी। सर आज आपने नगर भ्रमण किया, क्या कुछ है? आज नगर परिषद धर्मपुरी द्वारा कोरोना वायरस संक्रमण को लेकर नगर परिषद अध्यक्ष द्वारा और मेरे स्वयं के द्वारा और मीडिया के कर्मी हमारे संजय जी सोनी द्वारा, वार्ड पार्षद 10 के नौशाद जी द्वारा और वार्ड 13 के पार्षद प्रतिनिधि नाना जी सेन द्वारा, जनता में व्यापक गली गली जाकर, वार्ड में जाकर व्यापक प्रचार प्रसार किया गया और अपील की गई आवश्यक सावधानी रखने हेतु कि अपने घर पर रहें, बाहर नहीं निकले, इस प्रकार से अपील की गई। ठीक।